नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराजगंज से है, जहां जिला कारागार में बंदियों से मिलने के लिए स्वजनों को अब लाइन में लगकर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। जी हां, जेल प्रशासन ने बंदियों से स्वजनों को मिलने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। अब घर बैठकर कोई भी ई प्रियजन पोर्टल पर मुलाकात के लिए पंजीकरण कर सकता है। जेल में मुलाकात की ये सुविधा बड़ी राहतकारी समझी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों में स्थित जिला कारागार में बंद बंदियों के परिजनों को बंदियों से मिलने की प्रक्रिया को और आसान सरल बना दिया है। दरअसल जिला कारागार में बंद कैदियों से मिलने जब उनके परिजन पहुंचे थे तो उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, जिसके चलते उन्हें कड़ी धूप में घंटों तक समय गंवाना पड़ रहा है। महाराजगंज जिला कारागार के जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था के बाद अब बंदियों के परिजनों को इस कड़ी धूप में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। उनके समय की बचत होगी और यूपी सरकार के इस नई व्यवस्था से जेल प्रशासन को भी मुलाकातियों को बंदियों से मिलाने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ कारागार के भीतर व्यवस्थाओं को भी सुगम बनाया जा सकेगा। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर बंदियों से आसानी से मिल सके, इसके लिए जिला जेल प्रशासन के द्वारा तमाम तरह से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सुनिए आगे उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, ऑनलाइन मुलाकात जो है वो प्रिजन के सिस्टम से किया जा रहा है। इसमें विभाग को सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि जो हमें प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वो लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। घर बैठे परिजन अपना पर्ची कटा सकते हैं, उनको वहाँ टाइम स्लॉट मिल जाएगा और सीधे आके यहाँ पर बंदियों से अपना जो कोड जनरेट होता है उसको दिखा के मुलाकात कर सकते हैं। इससे परिजनों को ये फायदा मिलेगा कि उन्हें लंबी लाइनें लगानी पड़ेगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा और घर बैठे आराम से पर्ची काट सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अभी तो कम हो रहे हैं, करीब दो लोग तीन मुलाकातें एवरेज पर डे हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और बढ़े और लोगों तक बात पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें ऑनलाइन करें। जेल प्रशासन द्वारा कई सारे होल्डिंग और बोर्ड भी लगाए गए हैं बाहर प्रचार के लिए और मीडिया में भी बराबर सूचनाएं जा रही हैं कि ऑनलाइन मुलाकात आप कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हो पा रहा हम बंदी के परिजन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बार बार प्रचार कर रहे हैं और जेल के अंदर भी हमारे अधिकारियों द्वारा बार बार इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि ऑनलाइन मुलाकात है, अपने परिजनों को PCO के माध्यम से बताइए और उन्हें जागरूक करिए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो कैदियों और उनके परिजनों के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जहां पहले उन्हें परिजनों से मिलने के लिए घंटों धूप में लाइन में लगना पड़ता था, अब उनसे उन्हें राहत मिलेगी और समय भी बचत होगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।